जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों लोअर डिवीजन असिस्टेंट की निकली भर्ती के बारे में। तो दोस्तों कहां पर ये वैकेंसीज हैं, कौन कौन लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी, एज लिमिट क्या होगी, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, आपका एग्जाम का जो सिलेबस है वो क्या होगा, ए टू जेड जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर दोस्तों ये जो वैकेंसीज हैं वो कलकत्ता हाई कोर्ट में हैं। 291 टोटल वैकेंसीज हैं जिसमें दोस्तों जो पोस्ट है वो है लोअर डिवीजन असिस्टेंट की। यहाँ पर दोस्तों वैकेंसीज की डिटेल दी गई है, आप देख सकते हैं। अगर आप सिविल कैंडिडेट्स हैं तो अपनी डिटेल खुद देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में केवल वैकेंसीज की जो डिटेल बताऊंगा एक्स सर्विस मैन को जो रिजर्व्ड वैकेंसीज हैं उनकी डिटेल्स। ओके, तो अगर आप अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल कैटेगरी के एक्स सर्विस मैन हैं तो आपके लिए दोस्तों 12 वैकेंसी हैं, और अगर आप एससी कैटेगरी के एक्स सर्विस मैन हैं तो आपको टोटल 5 वैकेंसी हैं। ओके, पे लेवल दोस्तों आपका इस भर्ती में अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपका होगा पे लेवल 6, जो कि अच्छी खासी सैलरी आपको दिलाता रहेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर आप ओनली 12th स्टैंडर्ड यानी कि इंटर क्लास पास हैं तो आप इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एज लिमिट दोस्तों आपके 18 से 40 साल होगी। एक्स सर्विस मैन के लिए जो भी एज का रिलैक्सेशन मिलता है इस वीडियो इस भर्ती में आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए मोड ऑफ सिलेक्शन की दोस्तों बात करते हैं। तो आपका जो एग्जाम होगा वो होगा 90 मिनट्स का, जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे अर्थमेटिक्स, जनरल नॉलेज एंड कंप्यूटर प्रोफिशियंसी के, जनरल इंटेलिजेंस एंड इंग्लिश के। ठीक है, 100 नंबर के 100 क्वेश्चंस होंगे, जिसके लिए आपको 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। अगर आप दोस्तों रॉन्ग आंसर देते हैं तो एक रॉन्ग आंसर के लिए आपका 1 नंबर यानी कि 1 नंबर काटा जाएगा। पेपर दोस्तों जो होगा वो ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में आपका अवेलेबल होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन फीस की। सिविल कैंडिडेट्स के लिए दोस्तों फीस इस प्रकार है, और आप एक्स सर्विस मैन हैं तो आपके लिए ये जो फीस है एग्जेम्प्टेड, मतलब आप इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए आपको कोई भी फीस नहीं देनी है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों हाउ टू अप्लाई। आपको अप्लाई अगर करना है तो आप www.calcuttahighcourt.gov.in इस वेबसाइट पर जाएंगे। इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वेबसाइट पर जाकर आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट की, कि ये जो वैकेंसीज के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे उसकी डेट क्या है। तो 5 अगस्त 2024 से दोस्तों 26 अगस्त 2024 के बीच में आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर फिर भी आपका कोई भी डाउट रह गया हो तो आप मुझे बता देना। वीडियो को फिनिश करने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं दोस्तों, कि अगर आप वेस्ट बंगाल के निवासी हैं यानी कि रहने वाले हैं वेस्ट बंगाल के, तभी आप इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो वैकेंसीज हैं वो कोलकाता हाईकोर्ट के लिए हैं और ये दोस्तों टेम्परेरी बेसिस की वैकेंसीज हैं, बट लाइकली टू बी मेड परमानेंट। ठीक है, तो यहाँ पर इन्हें नोटिफिकेशन में साफ साफ दिया हुआ है कि अभी ये जो भर्ती हो रही है वो टेम्परेरी बेसिस पे हो रही है, लेकिन ये जो भर्ती है उसको परमानेंट किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक ऐसी ही और वीडियो लेके। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।